Assalamu alaikum dear learners, I hope you all are well. Today we are going to cover types of adjective. ये वो सवाल है जो बहुत ही मुश्किल लगता है, MCQs में हो या वैसे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है कि ये क्वालिटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोंस्ट्रेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पोजेसिव है. आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं. तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें साइज के बारे में बताते हैं, शेप के बारे में बताते हैं, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में कि कितनी है, थोड़ी सी है, ज्यादा है, और ओरिजिन के बारे में बताते हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, कलर के बारे में बताते हैं. और आई वुड रिकमेंड कि मैंने यहाँ आई बटन पर एक वीडियो लगाई है जो है एडजेक्टिव्स के बारे में. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो आई बटन पर लगाई हुई वीडियो है एडजेक्टिव्स, उसको लाजमी देख लें. अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को. विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द चैनल. एज यू कैन सी देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. आज हम जो देखेंगे सबसे पहले वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ये क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर एक ड्रेस है. ड्रेस की क्वालिटी क्या है कि ये बहुत खूबसूरत है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो ब्यूटीफुल ड्रेस यानी ये हमें बता रहा है ड्रेस की क्वालिटी के बारे में. दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. अब आप मुझे ये बताएं कि इस ड्रेस को देख के आपको के जेहन में कोई और भी आइडिया आता है कि अगर आपको इस ड्रेस को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कोई और भी ऐसा वर्ड है जो इसकी क्वालिटी के बारे में बताए. लगता है ये बहुत सॉफ्ट हो, बहुत एक्सपेंसिव हो, इसका कलर रेड है. और डिफरेंट वर्ड्स आर देयर टू डिस्क्राइब अ सिंपल ड्रेस. सो दीज वर्ड्स, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. वर्ड्स दैट रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली. यानी आप किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को एक एक करके फर्दन फर्दन मुखातिब कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूजली वो हैं ईच, एवरी, नाइदर, आइदर. ईच ऑफ देम वाज इनोसेंट. यानी उनमें से हर एक मासूम था, बेगुनाह था. एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर. हर एक स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद था. नाइदर फ्रेंड केम टू हेल्प हर. कोई भी नहीं यानी दो लोगों में से कोई भी नहीं या उसके फ्रेंड्स में से कोई भी उसकी मदद को नहीं आया. आइदर गर्ल इज द कल्प्रिट. दोनों में से कोई एक लड़की जो है वो गुनहगार है, मुजरिम है. तो ये जो फोर वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये किसी ग्रुप में से किसी एक खास बंदे की तरफ इशारा करके उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं, उसको मुखातिब कर रहे हैं. यानी ग्रुप में से ईच कोई एक, दोनों में से कोई एक. नेक्स्ट है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. जैसे आप अपनी हाथ की उंगली से ऐसे पॉइंट आउट करते हैं ना, दिस बुक इज माइन, दैट कार इज लार्ज, दीज बुक्स आर माइन. तो यानी ये पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर वट इज़ एन एडजेक्टिव एंड वट इज़ अ प्रोनाउन. अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे नीचे आपको ये रेड में नज़र आ रहा है, अलग से मैंने बॉक्स के अंदर जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बनाया हुआ है ये वाला. दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक. ये जो वर्ड है दिस, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है. क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि दिस के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है इज, जबकि दिस इज अ कार में भी हमें ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है इज. इसलिए ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है. जबकि अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस के बाद आपको नाउन नज़र आ रहा है. जबकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन के बारे में. एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताते हैं. ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. तो आपको क्या पता चला कि जब दिस, दैट, दीज, दोज किसी नाउन से पहले आते हैं तब वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. लेकिन अगर उनके साथ कोई नाउन ना हो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा
यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है। इज जो है वो क्या है, इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। दैट्स वाई ये यहाँ पर जो दिस है ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो दिस है ये क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ कम्स क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। नाउ कम्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं। कितने आदमी थे जी, मशहूर डायलॉग है। तो कितने, जो उर्दू में जैसे हम सवाल करते हैं ना, कितने लोग थे, कितनी चीजें थी, तो इस तरह इनके सवालों के जवाब में हम अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैनी, मच, मोर, लिटिल, इनफ। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमें क्वांटिटी के बारे में आइडिया देते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कितने हैं भाई, उनकी क्वांटिटी कितनी है, फ्यू, अ फ्यू यानी चंद एक। आपके पास कितने मनी पैसे हैं, मनी है। आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ी सी आपके पास रकम है, यानी रकम की आपको क्वांटिटी के बारे में बताया गया कि लिटिल है। फ्रेंड्स के बारे में बताया गया कि फ्यू हैं। इसी तरह गर्ल्स के बारे में बताया गया कि वो फोर हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स डिस्क्राइब क्वांटिटी, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। और आपने याद रखना है कि इनके साथ हमेशा आगे नाउन आएगा, तभी ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, यानी ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन करने में। यूज्ड विद नाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। व्हिच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, इसी तरह नीचे अगर आपको ब्लू बॉक्स में नजर आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। विच इज योर बुक, क्या ये भी, ये जो विच जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, क्या ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था, अब आप मुझे बताएं कि ये विच जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, क्या ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। सोचिए, थिंक अबाउट इट एंड आंसर। यस, दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके आगे हमें यहाँ पर इज नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसके आगे नाउन है। सो ये वाले जो हैं ये तो हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और ये भी एडजेक्टिव है, जबकि ये वाला एडजेक्टिव नहीं है। तो यही कंफ्यूजन होता है, आप किसी भी लेवल पे हों, एडवांस लेवल पे हों, जूनियर लेवल पे हों, मिडल लेवल पे हों, किसी भी लेवल पे हों, यही कंफ्यूजन होती है कि विच जो है ये एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है और एज अ एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो अब हमें पता चल गया कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पर इसको हम एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। हाँ भाई, इस गाड़ी का मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है। जी हाँ, मैं मालिक हूँ। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आप कहलाते हैं ओनर, या आपके पास होती है ओनरशिप या पोजेशन, आप किसी चीज के मालिक हैं, आपके पास उसका इख्तियार है। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव किसी चीज की ओनरशिप को शो करते हैं या पोजेशन को शो करते हैं। देखें जी, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां गुम गई हैं या खो गई हैं। माई पेट इज नॉट वेल, मेरा पेट जो है वो थोड़ा तबीयत सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, माई कीज और साथ में माई पेट, यहाँ पे माई और यहाँ पर भी माई, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है। जी हाँ, प्रॉब्लम आती है जब हम इनको पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे देखते हैं। अब देखिए नीचे दी हुई एग्जांपल में, द बैट फाउंड इन द ग्राउंड इज हिज, यहाँ पे खाली हिज जो है ये प्रोनाउन है, दिस इज अ प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, जबकि माई के आगे आपको ये क्या नजर आ रहा है, कीज, नाउन। पेट क्या है, नाउन। तो इसका मतलब है जो नाउन से पहले हैं वो हैं एडजेक्टिव्स, और जिनके आगे नाउन आपको नजर नहीं आ रहा तो वो आपके प्रोनाउन्स है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है एंड दिस वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। बार बार रिपीट हो रहे हैं, तकरीबन सेम नाम है,
पीछे हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव में, डेमोंस्ट्रेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सेम केसेस विद द पजेसिव. सो पजेसिव मीन किसी चीज़ की मलकियत को शो करना. हिज कार, योर मनी, माई बुक, योर कैट. तो इस तरह जितनी भी चीज़ें आपकी मलकियत में हैं आप उनके साथ माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि इनके आगे किसी नाउन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. या तो ये प्रोनाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे. ठीक है, एडजेक्टिव कब होंगे? जब इनके आगे कोई नाउन होगा.